की इस वीडियो में मैं आपको 5 लेटेस्ट इंडियन थ्रिलर्स के बारे में बताने वाली हूँ। इस चैनल पर मैं किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ और अगर आपको लेटेस्ट इंडियन बुक्स के बारे में जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए कि क्या आपको थ्रिलर बुक्स अच्छी भी लगती है या नहीं। ओके एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। पहली किताब है द फर्स्ट असैसिन बाय मेनक धर। अब मेनक धर की मैंने एक किताब पढ़ रखी है स्नाइपर्स आई, जो कि बहुत ही अमेजिंग थ्रिलर है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है उसको जरूर पढ़िए। मैंने मेनक धर की नॉन फिक्शन बुक्स भी पढ़ रखी हैं, एक पढ़ रखी है उसका रिव्यू भी इस चैनल पर है जो मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बट ये जो बुक है ये एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं मेनक धर। अब इस बुक में हम फॉलो करते हैं एक आदमी को जो पहले बहुत ही सारे मिशन पर जा चुका है पर अब वो सॉर्ट ऑफ रिटायर्ड है, डेस्क जॉब पर है, ठीक है, और वो उसको अच्छी नहीं लगती है। बट नाउ ही हैज अ स्पेशल मिशन, यूएस प्रेसिडेंट की असैसिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसका ये स्पेशल मिशन है। तो ये मेनक धर की किताब है तो मुझे इससे काफी ज्यादा उम्मीद है कि ये अच्छी ही होगी। और थ्रिलर्स वैसे भी मुझे अच्छे लगते हैं, मेनक धर काफी अच्छे थ्रिलर्स लिखते हैं, इन्होंने काफी सारे लिखे हुए हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये किताब इस टाइम पर किंडल अनलिमिटेड पर फ्री है। दैट इज अगर आपके पास किंडल अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन है तो इसको फ्री में डाउनलोड कर आप पढ़ सकते हैं। इसका ओनली मुझे जिस बात की चिंता है इस किताब के बारे में वो ये है कि वाई इज इट अबाउट द यूएस प्रेसिडेंट की असैसिनेशन। मतलब अगर इंडियन किताब है तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ी सी मुझे लाइक क्वेश्चनेबल लग रही है, बट बिकॉज ये मेनक धर है तो मुझे इस किताब में फिर भी फुल कॉन्फिडेंस है। ओके सो दिस इज नंबर वन बुक। दूसरी किताब है जीरो डे बाय एस हुसैन ज़रीबी। अगेन एक ऐसे ऑथर हैं जिन्हें मैंने पहले पढ़ रखा है, इनकी 11th आर बहुत ही अच्छी किताब है। ओके और ये किताब में क्या है कि अभी एकदम से मुंबई के जो सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उन्होंने चलना बंद कर दिया है। सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ अटैक और इसकी इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं उतनी देर में एक और भी बड़ा अटैक आता है जिसमें पूरा रेलवेज, इंडियन रेलवेज बंद हो जाता है। तो दिस इज अ टाइम बाउंड थ्रिलर जिसमें जो अथॉरिटीज हैं उनको इस साइबर टेररिज्म से जूझना है और इनसे लड़ना है। अगेन दिस बुक गुड पार्ट इज कि ये साइबर टेररिज्म के बारे में कुछ रिफ्रेशिंग है, यू नो काफ़ी न्यू है। तो जीरो डे नाम भी इसीलिए बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन अथॉरिटीज ने अभी तक ऐसा अटैक देखा ही नहीं, तो हाउ आर दे गोइंग टू फाइट दिस अटैक, ये बुक उसके बारे में है। और ये टाइम बाउंड है। एस हुसैन ज़रीबी की पिछली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो भी टाइम बाउंड थी, ठीक है। तो टाइम बाउंड बुक्स आई थिंक और ज़्यादा थ्रिल फैक्टर ले आती हैं, सो दैट इज वेरी कूल अबाउट दिस बुक। तीसरी किताब है कोल्ड जस्टिस बाय विश थामीजा। अब विश थामीजा के मैंने दो लीगल थ्रिलर्स पढ़ रखी, ये नॉर्मल थ्रिलर्स भी लिखते हैं, लीगल थ्रिलर्स भी लिखते हैं, ये चौथा लीगल थ्रिलर है इनका, ठीक है। मैंने पढ़ रखा है अनलॉफुल जस्टिस और द मोगुल। अब अनलॉफुल जस्टिस में ना तीन कैरेक्टर्स थे, एक था लॉयर आकाश और एक कपल लॉयर था वंश और प्रीति। अब इस किताब में क्या हो रहा है, जस्टिस शिल्पा सिंह है वो भी पिछली बुक में रेफर्ड थे। इसकी कहानी ये है कि जस्टिस शिल्पा सिंह हैज बीन अरेस्टेड फॉर मर्डर, उनके हाथ में एक चक्कू मिला, ठीक है, और अब उनके ऊपर केस चल रहा है। एट द सेम टाइम जो भी वो कोशिश कर रहे हैं जस्टिस शिल्पा सिंह को बचाने की वो फेल हो रही है बिकॉज वो कह रहे हैं कि आप ये एक पावरफुल पॉलिटिशियन है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करिए और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो आकाश और वंश है विच आर टू ऑफ द बेस्ट इंडियन डिफेंस लॉयर्स, अब उनके सामने जो लॉयर आता है दैट इज वन ऑफ द शार्पेस्ट प्रोसिक्यूटिंग ब्रेन्स ऑफ इंडिया एंड दैट इज रवि नंदा। अब क्या ये केस जीत पाएंगे, जस्टिस शिल्पा सिंह को बचा पाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। अब विश थामीजा के जो मैंने दो बुक्स पढ़ी है ना उसके बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि उनके जो प्लॉट्स होते हैं ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये लीगल थ्रिलर है, इंडिया में इतने ज्यादा लीगल थ्रिलर मिलते भी नहीं है, तो अगर आपको लीगल थ्रिलर में इंटरेस्ट है तो आप इस किताब को जरूर चेक कीजिए। चौथा थ्रिलर जो है वो है द मैजिशियंस ऑफ माज़्डा बाय अश्विन सांघी। अब ये अश्विन सांघी की ना एक पूरी साइफाई थ्रिलर सीरीज चल रही है, भारत सीरीज, और उसकी ये सातवीं किताब है। मैंने उसमें से एक किताब पढ़ रखी है द कीपर्स ऑफ कालचक्रा, जिसका रिव्यू मैंने इस चैनल पर कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा सारे रिव्यूज के लिए। एंड ये जो बुक है क्वाइट टिपिकल ऑफ अश्विन सांघी की भारत सीरीज, उन्होंने इस प्लॉट में काफी सारे एलिमेंट्स डाले हैं, अपोकलिप्टिक इवेंट्स हैं, थोड़ी सी साइंस फिक्शन है, वेद्स हैं, मेडिकल साइंस है, पारसी हिस्ट्री है, आइकोनोग्राफी है, वो सब कुछ कंबाइन करके अश्विन सांघी कितना कॉम्प्लेक्स प्लॉट बनाते हैं ना, मतलब आई वुड नॉट रेकमेंड दिस बुक टू वेरी बिगिनर्स क्योंकि इतना इलेबोरेट प्लॉट होता है ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आपने हिम्मत है और अगर आपको ऐसे ही प्लॉट एक्साइट करते हैं तो इस बुक को जरूर आप चेक कीजिए। अश्विन सांघी की
किताब है तो डेफिनेटली काफी इलैबोरेट प्लॉट और थ्रिलिंग प्लॉट होगा ही, सो आप इस बुक को जरूर चेक कर सकते हैं। बट देन अगेन दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इस किताब के बारे में कि ये प्लॉट जो है कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं फॉर अ वेरी बिगिनर्स, तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो इस बुक को मत उठाइए, थोड़ी सी बुक्स पढ़िए और फिर उसके बाद इस बुक पे आइए। आखिरी किताब जो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, दैट इज द गर्ल इन द ग्लास केस बाय देवाशीष सरदाना। अब ये किताब ना मेरे नोटिस में तब आई बिकॉज आई हैव सीन कि इसको बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला है अकॉर्डिंग टू अमेज़न और जो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी है। मैंने इन ऑथर को पढ़ नहीं रखा है तो आई डोंट नो इनकी राइटिंग कैसे होगी, कैसा सारा सिस्टम होगा, बट दिस ऑल्सो हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट। इसके अंदर दो सीरियल किलर्स हैं, एक सीरियल किलर है जो कि मतलब बच्चों को टारगेट करता है एंड ही हैज बिन प्रेजेंटिंग देम एज डॉल्स, ठीक है, तो वो ऐसा सीरियल किलर है। और एक दूसरा सीरियल किलर है जो कि आज तक काफी इंडियन मीडिया में पॉपुलर रहा है काफी सालों से, पर अब वो दूसरा आ गया है तो इन दोनों में बड़ा जेलेसी फैक्टर हो गया है। और दूसरी तरफ है एसपी सिमोन सिंह जो कि इन दोनों ही सीरियल किलर्स को कैच करना चाहती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है सेट इन इंडिया, काफी सस्पेंस भरा है इसमें अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव रिसर्च्ड, तो आप जरूर इस बुक को भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ खत्म होती है ये वीडियो विच वॉज ऑल अबाउट 5 एक्साइटिंग लेटेस्ट इंडियन थ्रिलर्स। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप जरूर करके जाए एंड कॉमेंट्स में मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिए कि आपको थ्रिलर नॉवल्स अच्छे भी लगते हैं या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज मनप्रीत साइनिंग ऑफ, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून।